सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम देवल भाटा में ट्रैक्टर पलटने से 3 युवक दब गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये तीनों ट्रैक्टर टाली के ऊपर बैठे थे। अनियंत्रित होने पर पलट गई थी ट्रैक्टर, जिसमें इंजन में बैठे 3 युवक दब गए थे। इधर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। ग्राम देवल भाटा निवासी बाल मुकुंद यादव ने बताया कि बड़ा भाई उग्रसेन यादव अपने साथी संतोष यादव के साथ 20 मई को चक्रधर यादव के ट्रैक्टर टाली में खाद लोड कर खेत में डालने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे। ट्रैक्टर को चक्रधर यादव चला रहा था। संतोष यादव व उग्रसेन यादव ट्रैक्टर के इंजन में बैठे थे। टेंगनापाली धरसा गोटिया का महुआ डोली के पास पहुंचे थे कि चालक चक्रधर यादव ने लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें ट्रैक्टर के इंजन में बैठे उग्रसेन यादव, संतोष यादव एवं चक्रधर यादव तीनों दब गए। ग्रामीणों ने देखा, तीनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान उग्रसेन यादव ने अपनी दम तोड़ दिया। वही संतोष यादव एवं चक्रधर यादव का प्राथमिक इलाज के बाद उसे रायपुर रिफर किया गया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।